वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बार फिर से स्वागत है आपका हिंदी प्रेगनेंसी कॉर्नर में एक नई वीडियो के साथ, एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। उम्मीद है आपको हमारी और वीडियोस की तरह आज की ये वीडियो भी पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि किन कारणों से आपका प्रेगनेंसी टेस्ट मोस्टली नेगेटिव आता है। जी हाँ, जैसे कि होता क्या है कि औरतें जो होती हैं, जरा सा पीरियड मिस होता है, जहाँ पीरियड लेट होता है, तो वो हड़बड़ी में जल्दी जल्दी अपना जो है प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेती हैं। तो रिज़ल्ट क्या होता है कि प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आ जाता है जबकि वो ऑलरेडी प्रेग्नेंट होती हैं। तो बहुत सी महिलाएं मुझसे अक्सर क्वेश्चन करती हैं कि हम प्रेग्नेंट हैं फिर भी जो प्रेगनेंसी टेस्ट है वो नेगेटिव दिखा रहा था। दोबारा डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर से बात की, तब जाके पता चला कि प्रेगनेंसी हो चुकी है। महिलाएं तो ऐसी भी हैं जो मुझसे कहती हैं कि उनको ये प्रेगनेंसी अभी चाहिए नहीं थी, उनका पहला बच्चा जो है वो अभी बहुत छोटा था, लेकिन क्योंकि वो प्रेगनेंसी टेस्ट घर पर करती रही और प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आता रहा, फोर्थ मंथ में जाके डॉक्टर ने कंफर्म किया कि वो प्रेग्नेंट हैं। जब उनको साइन एंड सिम्टम्स ऐसे दिखाई देने लगे और वो डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने कहा कि ऐसा कैसे हो गया, 3 महीने कंटिन्यूसली मैं घर पे प्रेगनेंसी टेस्ट करती रही हूँ, टेस्ट नेगेटिव आता रहा है, तो डॉक्टर के पास जाके ये प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव कैसे आ गया। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने जा रही हूँ कि आपको कब प्रेगनेंसी टेस्ट करना है, कैसे करना है और क्या इसका सही तरीका है, जो आपका जो रिज़ल्ट है सही आ सके प्रेगनेंसी टेस्ट में, आपको कोई गलत फहमी पैदा ना हो और आप बिल्कुल भी मिसगाइड ना हो। ये फ्रेंड्स, आज की वीडियो को करते हैं स्टार्ट। और डिटेक्ट करने वाला जो हार्मोन होता है वो सबसे ज़्यादा मॉर्निंग के टाइम पे एक्टिव होता है, ज़्यादा, क्योंकि उस टाइम अभी हमने कुछ खाया पिया नहीं होता है, पानी नहीं पिया होता है। तो कोशिश ये करनी है आपने कि सुबह उठते ही जो फर्स्ट यूरिन आप करती हैं उसी के साथ प्रेगनेंसी टेस्ट कीजिए, प्रेगनेंसी टेस्ट एक्यूरेट आएगा 100%।
और जो बहुत कम लोग आपको बताते हैं और बहुत कम आपको ये पता होगा को जिस बाउल में या कप में अपना यूरिन लेना है प्रेगनेंसी के लिए कीजिए, वो कप या बाउल जो है पहले यूज ना किया हो। इस वाला कप बाद में तो यूज होगा ही नहीं, लेकिन कोशिश ये कीजिए कि वो पहले भी यूज ना किया गया हो। उसका कारण ये है कि अगर आपने वो कप पहले किसी साबुन के साथ या सर्फ के साथ धोया हुआ है तो हो सकता है थोड़ा बहुत साबुन के अंश जो है उस कप में बाउल में अवेलेबल हो, उसकी वजह से भी आपका प्रेगनेंसी टेस्ट जो है गलत आ सकता है। तो प्लास्टिक का कप या बाउल ले लीजिए यूरिन लेने के लिए और वो कप पहली और आखिरी बार ही यूज कीजिए। इसके अलावा मैं अब आपको बताती हूँ कि आपको प्रेगनेंसी किट कैसे यूज करनी है। प्रेगनेंसी किट जैसे सबको पता ही होगा प्रेगनेंसी किट दिखने में कैसी होती है, ये गोल बनी होती है या फिर इस शेप में बनी होती है और उसके ऊपर आपको क्या करना होता है कि अपना यूरिन जो आपने लिया है उसकी 2 या 3 बूंदें प्रेगनेंसी किट के अंदर आपने डालनी होती है। सुबह के फर्स्ट यूरिन की 2 या 3 बूंदें प्रेगनेंसी किट में आपको डालनी है और 15 सेकंड के लिए वेट करना है। महिलाएं यहाँ पे भी गलती करती हैं। कुछ महिलाएं क्या करती हैं कि यूरिन किट के अंदर डालने के बाद उसको किट को वहीं पे छोड़ देती हैं बाथरूम में और 1 घंटे बाद या 1/2 घंटे बाद आके चेक करती हैं और जो रिजल्ट उस पे शो हो रहा होता है उसको एक्यूरेट मान लेती है और मिसगाइड हो जाती हैं। ये बहुत बड़ी गलती है जो बहुत सी औरतें करती हैं। तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि आपको विद इन 15 सेकंड के अंदर जो रिजल्ट दिखाई देगा वही रिजल्ट प्रेगनेंसी किट में एक्यूरेट आएगा। अगर 15 सेकंड से ऊपर, 15 से 20 सेकंड ऊपर हो सकते हैं, लेकिन अगर इससे ज़्यादा टाइम में, 1/2 घंटे में, 20 मिनट में या 1 घंटे में दोबारा आप चेक करती हैं तो वो जो रिज़ल्ट होगा वो सही नहीं माना जाएगा। मैं आपको बता रही थी प्रोसेस कि आपको टेस्ट कैसे करना है। आपको 2 बूंद यूरिन की डालनी है प्रेगनेंसी किट में, 15 सेकेंड तक वेट करना है और 15 सेकंड के बाद आप चेक कीजिए किट को। अगर वहाँ पे 2 लाइंस बनी हुई है, कई किट्स में पिंक कलर की लाइंस बनती हैं, कई किट्स में जो है रेड कलर की लाइंस बनती हैं और कई किट में ब्लू कलर की लाइंस बनती हैं, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर किट में 2 लाइंस बनी है तो समझिए कि आपका प्रेगनेंसी टेस्ट जो है पॉजिटिव है, आप प्रेगनेंट हैं। बट वहीं दूसरी तरफ अगर प्रेगनेंसी किट में 1 लाइन बनती है तो समझिए कि आपका रिजल्ट नेगेटिव है, आप प्रेग्नेंट नहीं है। इसके अलावा एक और कन्फ्यूज़न महिलाओं को बहुत ज़्यादा रहती है, मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि हमने प्रेगनेंसी टेस्ट किया लेकिन जो सेकंड लाइन है जिससे प्रेगनेंसी कंफर्म होनी होती है, सेकंड लाइन बहुत ही हल्की सी बनी हुई है, इतनी हल्की कि आपको ट्यूब लाइट के पास ले जाकर देखना पड़ता है, तब भी बहुत ही हल्की सी वो लाइन पिंक कलर की दिखाई देती है और उसमें आपको अक्सर कन्फ्यूज़न रहती है कि ये लाइन वैसे ही दिखाई दे रही है क्योंकि बहुत ही हल्की होती है, वो लाइन होती भी है कि नहीं, ये भी कन्फ्यूज़न रहती है काफ़ी केसेस में। हल्की सी लाइन दिखाई दे रही है, इसका भी मतलब प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव ही है। बिल्कुल जैसे कि मैंने अपने प्रेगनेंसी टेस्ट जब करे थे तो मेरे दोनों टाइम लाइन इतनी हल्की थी कि बिल्कुल भी दिखाई ही नहीं दे रही थी, यहाँ तक कि मैंने 2 बार 3 बार जाके टेस्ट किया था ताकि मैं अच्छे से श्योर हो जाऊँ और हर बार लाइन जो थी वो काफ़ी लाइट आ रही थी। लेकिन यही लाइन डार्क हो जाती है अगर आप पीरियड मिस होने के 20 दिन बाद जाके जो है प्रेगनेंसी टेस्ट करते हो तो ये लाइन, दोनों लाइंस डार्क आएंगी। लेकिन अगर आपने अर्ली टेस्ट कर लिया है यानी कि 8-10 दिन बाद टेस्ट कर लिया है तो बहुत सारे केसेस में ये लाइन जो है बहुत ही लाइट और पिंक कलर की नज़र आती है। लेकिन ये टेस्ट पॉजिटिव ही माना जाता है, ये नेगेटिव नहीं। अगर मामूली सी लाइन भी आपको, मामूली सा साइन भी आपको नज़र आ रहा है तो दैट मीन आप प्रेग्नेंट है, आपको प्रेगनेंसी हो गई है। तो उम्मीद करती हूँ अब आपको सारा प्रॉपरली क्लियर हो गया होगा कि आपको किस तरह से प्रेगनेंसी किट का यूज़ करना है, इसके अलावा किस टाइम पे आपको टेस्ट करना है ताकि आपको एक्यूरेट रिजल्ट मिल सके। अपनी तरफ से आपको पूरी डिटेल में बता दिया है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो चैनल के साथ जुड़े रहिए ऐसी और वीडियोज़ के लिए। और अगर प्रेगनेंसी से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल है, कोई भी जेंडर प्रेडिक्शन से रिलेटेड या प्रेगनेंसी से रिलेटेड या
पीरियड्स की कोई प्रॉब्लम से रिलेटेड आप कमेंट बॉक्स में अक्सर मुझसे पूछते रहते हैं। कमेंट बॉक्स कम चेक करने की वजह से मैं सबके कमेंट्स का रिप्लाई नहीं कर पाती, इसलिए आपको कोई भी सवाल पूछना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम का लिंक जो है वो यूट्यूब प्रोफाइल में दिया हुआ है, बायो में दिया हुआ है। तो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।